आपको प्रभु का धन्यवाद, उसकी महिमा करते हैं। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपके बीच में बांटूंगी। वो गवाही मेरा दर्शन है जो मैंने देखा है, जो प्रभु ने मुझे प्रार्थना के दौरान दिखाया, मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ। मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी और उस प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे नरक का दर्शन दिखाया। मैंने उस जब नरक को देखा तब मैं उस नरक की तड़पन से तड़प उठी, मैं व्याकुल हो उठी। और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर कैसी कैसी पीड़ा है जो मैंने अपने शरीर पर सही है, मैंने उस पीड़ा में गुजारा है। वो टाइम मैं एक घंटा लगातार प्रार्थना के बीच उस नरक के बीच में रही, और जब मैं धरती पर थी प्रार्थना कर रही थी तो मैं बेहोशी हालत में थी, मैं बेहोश हो चुकी थी। और उस बेहोशी हालत में मेरी आत्मा प्रभु यीशु के साथ में नरक में थी। मैंने नरक के द्वार पर खुद को पाया और मैंने पाया कि वहाँ पर एक पतली सी रास्ता है जो अंधेरे से भरी हुई है, उसके दाएं बाएं बहुत सी कोठरियाँ बनी हैं, जैसे जेल में खाने बने होते हैं वैसे वहाँ पर खाने बने हुए हैं। और मैंने देखा कि वहाँ इतनी गर्मी है, इतनी तपन है, वहाँ पर इतना घुटन है कि कोई इंसान वहाँ पर एक पल भी रह नहीं सकता है। और मैं उस बात को अपने अंदर सह रही थी कि प्रभु मैं किस जगह पर हूँ, परमेश्वर मुझे यहाँ से निकालो। मैं वहाँ रो रही थी और मैं यीशु से विनती कर रही थी बार बार, प्रभु मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मुझे यहाँ से चलने दो, मुझे जाने दो और मुझे लेकर चलो। मैं ऐसे करके परमेश्वर के चरणों में थी और विनती करती रही, लेकिन प्रभु ने मेरे हाथ को थाम लिया और मुझे वहाँ से हटने नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे एक कमरा दिखाया वहाँ पर, जिस कमरे को मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर एक आदमी है, और जो आदमी जो है वो वहाँ पर सफ़ेद कलर की शर्ट पहने हैं और ब्लैक कलर की पैंट पहने हैं। मैंने जब प्रभु से पूछा पिता ये कौन है, तो उस परमेश्वर ने मुझसे कहा देखो ये एक डॉक्टर है, और ये जब दुनिया में था तो इसने अंगों का व्यापार किया, इसने नवजात शिशुओं को गर्भ में मार दिया, इसने मोटी कमाई कमाई, इसलिए यह यहाँ पर है। जब प्रभु ने ऐसा कहा मेरे अंदर डर बढ़ने लगा, मैं बहुत घबराने लगी क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। मैंने बाइबल में लोगों के दर्शनों से सुना था लेकिन मैं खुद उस चीज़ को फील कर रही थी, मैं बहुत तड़प रही थी वहाँ पर। और फिर परमेश्वर ने मुझे दूसरा कमरा दिखाया, उस दूसरे कमरे में मैंने अपनी दादी जी को देखा, मैंने देखा मेरी दादी माँ वहाँ पर हैं, जब जो वो मर चुकी हैं, अब वो सच में इस दुनिया में नहीं है। मैंने उन्हें देखा तो मैं और डरने लगी मैं। फिर प्रभु ने मुझे तीसरा कमरा दिखाया, उन्होंने मुझसे तीसरे कमरे के विषय में जब मैंने उनसे पूछा प्रभु ये कमरा खाली क्यों है, क्योंकि तीसरा कमरा खाली था, तो परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे चौथा कमरा दिखाया जिसमें मेरे मरे हुए चाचा जी थे। मैं और डरने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सब मेरे रिश्तेदार कैसे निकल रहे हैं, यहाँ पर मेरे अपने क्यों आए। और मैं बहुत तकलीफ में पूछती रही परमेश्वर से, जी जिससे मैं पूछती रही प्रभु बता दो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बोला कुछ भी। उन्होंने मुझे पांचवा कमरा दिखाया जिसमें मैंने देखा कि मेरे नाना जी हैं और वो मर चुके थे, और सच में वो मर चुके हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने नाना जी के कारण वहाँ पर बहुत व्याकुल हुई। मैं प्रभु यीशु के चरणों में गिर गई और गिर कर मैं अपने नाक को रगड़ कर विनती करने लगी प्रभु दया कर दो, मेरे नाना को यहाँ से छोड़ दो, जाने दो। इन्होंने मैं अपने नाना के सब कामों को गिनाने लगी कि पृथ्वी पर मेरे नाना ने बहुत भलाई की, बहुत अच्छाई की, प्रभु इनको यहाँ मत रखो, इनको जाने दो। और मैं खुद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी कि मैं अपने नाना को वहाँ से बचा लूँ, लेकिन मैं नहीं बचा पा रही थी। ऐसे करके वहाँ पर मेरे साथ होता रहा, मैं बहुत तकलीफ में पड़ी रही। हाँ मैं बिल्कुल बेसुध रही, मेरे अंदर बिल्कुल ऐसा लगता था कोई सामत नहीं बची। फिर जीजस ने मुझे अपने हाथों से उठाया, मैं ज़मीन में उनके पैर में पड़ी थी तो उन्होंने मुझे उठाया। जब मैंने देखा कि यीशु मसीह मुझे उठा रहे हैं और वो रो रहे थे, उनकी आँखों में बहुत आंसू थे, वो रो रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा बेटी देखो मैंने तुम्हारे खानदान पर जो अनुग्रह नहीं किया वो अनुग्रह तुम्हारे परिवार पर किया है, और देखो ये तीसरा कमरा जो तुम खाली देखती हो ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे परिवार के लिए है। यदि तुम मेरी विधियों को ना मानोगी, यदि तुम निश्चिंत रहोगी ज़मीन पर कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगी, और तुम मेरे काम को पूरा ना करोगी, मेरे स्वभाव में ना जियोगी और लोगों को ना बताओगी इस बारे में, और लोगों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करोगी अगर, तो तुम्हें भी यहाँ तीसरे कमरे में आकर रहना होगा। जब मैंने ये बात सुनी कि वो कमरा मेरे लिए है, मैं टूट गई।
मैं पूरी तरह से टूट गई और मेरे पैर से लगता था जमीन निकल गई, कुछ बचा ही नहीं मेरी लाइफ में। जिस स्वर्ग को जाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस स्वर्ग को जाने के लिए मैं फास्टिंग प्रेयर सब कुछ करती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया वहाँ नहीं बल्कि नरक में तुम्हारे लिए कमरा है। मैं बहुत उदास हो गई और रोने लगी वहाँ पर, बहुत पश्चाताप मैंने किया। अब वो जलन मेरे शरीर से हट नहीं रही थी, वो घुटन मुझ पर पूरी तरह हावी थी। अब ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे छठा कमरा दिखाया। छठे कमरे में मैंने एक औरत को देखा। वो औरत जो थी उसके जो बाल थे वो कीड़ों से बने हुए बाल थे, उसकी नाक में केंचुए की नथुनी पहने थी, उसके कान में जो बिच्छू थे वो लटके हुए थे, टॉप्स थे बिच्छुओं के, जिंदा थे वो सब कीड़े उसके ऊपर। और मैंने उसके कंगन की जगह, पायल की जगह, कमरबंद की जगह सांपों को लिपटे देखा। फिर प्रभु ने कहा, देखो ये डांसर है, ये नाचती थी दुनिया में, इसलिए ये यहाँ पर है। फिर उन्होंने मुझे सातवां कमरा दिखाया। सातवें कमरे में मैंने बहुत सुंदर से लड़के को देखा जिसकी उम्र 21 से 26 के बीच होगी। मैंने उस लड़के को देखा, वो बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। और वो उसके हाथ में एंड्रॉयड बड़ा सा फ़ोन था, वो दोनों हाथों से अपने फ़ोन में मस्त था। और यीशु मसीह ने मुझसे कहा, देखो बेटी, इसने अपना समय फ़ोन को दिया, इसने फ़ोन के ज़रिए बहुत दुनिया में पाप फैलाया, ये फ़ोन का दास था, गुलाम था, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, इसलिए यह यहाँ पर है। फिर प्रभु ने मुझे एक आठवां कमरा दिखाया। उस आठवें कमरे में मैंने देखा एक नेता बंद है। फिर प्रभु से पूछा ये कौन है, तो प्रभु ने कहा यह एक नेता है जो उद्योग मंत्री था, जो रेल मंत्री था, ये दोनों पद पर था, लेकिन इसने कालाबाजारी की, इसने जनता से धोखाधड़ी की, इसलिए यह यहाँ पर है। फिर जीजस ने मुझे नवा कमरा दिखाया। नवे कमरे में मैंने देखा कि वहाँ पर 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे हैं। प्रभु से पूछा, प्रभु आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, फिर बच्चे यहाँ पर क्यों है पिता, आप ये सब क्यों है, मेरे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मैं क्यों देख रही हूँ। मैं नहीं देखना चाहती थी वो तकलीफ को, लेकिन प्रभु ने कहा कि देखो इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इन्होंने व्यर्थ अपना समय व्यर्थ चीज़ों में गंवाया, इन्होंने माता पिता को तुच्छ जाना, इस कारण ये यहाँ पर हैं। इस तरीके से प्रभु ने मुझे वहाँ पर 9 कमरे दिखाए। मैं उस 9 कमरों को देखते हुए तड़प रही थी, मेरे दिमाग से वो तीसरा कमरा नहीं निकल पा रहा था कि वो मेरे लिए रखा गया। और फिर परमेश्वर मुझे नरक के एक दूसरे भाग में ले गए। वो मैंने भाग देखा, उस भाग में मैंने देखा एक बड़ा सा पत्थर है, जिस पत्थर के चारों ओर दूत हैं और दूतों के हाथ में तलवारें हैं, जंजीरें हैं, चाबुकें हैं बहुत बड़ी बड़ी, और वो उस पत्थर पर घिस घिस के तेज बना रहे हैं। वहाँ मैंने देखा पीले कलर का चार्ट पेपर बैनर के जैसे लगा है, उस पर लाइनिंग से कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है सब, तो प्रभु ने कहा देखो ये दूत हैं और ये दूत इन मनुष्यों पर जाते हैं, मनुष्यों के पास, और इन्हें 4-4 घंटे के लिए एक एक पीड़ा देते हैं। इस पेपर पर टाइम टेबल बना हुआ है, इस पर हर दूत लिखा है, हर दूत का नाम लिखा है और पीड़ा लिखी है कि कौन सा दूत जाएगा और 4 घंटे कौन सी पीड़ा देगा। जब एक पीड़ा 4 घंटे तक बीत चुकी होती है तब दूसरा दूत जाकर उन्हें पीड़ा देता है। इस तरीके से उन्हें सताया जाता था जो वहाँ जेल में, जेल जैसी उस नरक में बंद थे। और फिर परमेश्वर ने कहा देखो तुम्हारे यहाँ जैसे 7 दिन बीतते हैं वैसे यहाँ 7 दिन बीतने के बाद ये चार्ट पेपर बदल दिया जाता है और उससे दुगनी पीड़ा का चार्ट पेपर लगा दिया जाता है। ऐसे करके मैंने उस दर्शन को वहाँ पर देखा। मेरे अंदर इतना खौफ, इतना डर था, मैं पूरी रीत से बेसुध थी और बेहोश हो चुकी थी। काफ़ी टाइम के बाद मुझे प्रार्थना में से होश आया तो मेरी फैमिली ने मुझे उठाया। मैं बेहोशी हालत में थी और मुझे सदमा सा लग चुका था, मैं ना कुछ बोल पा रही थी, किसी से सब पूछ रहे थे क्या हुआ लेकिन मैं किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे बिल्कुल, मैं शॉक थी, मैं मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे अंदर से मेरे रिश्तेदार वहाँ से आँखों से मेरे निकल नहीं पा रहे थे। वो तीसरा कमरा जो प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए वो मैं भूल नहीं पाई। और मैं 2 दिन ऐसे ही सदमे में रही, मुझे ना कुछ खाना अच्छा लगा, ना ही मुझे नींद आई। 2 दिन मैं व्याकुलताओं से भरी रही, मैं लगातार प्रार्थना में रही। 2 दिन के बाद प्रभु ने शाम को मेरे ऊपर एक फिर से दर्शन दिया।
प्रभु ने मुझसे कहा, बेटी तू व्याकुल क्यों होती है, तुझे शांति मिले। देख आज लोग निश्चिंत हो चुके हैं और मैंने ये दर्शन तुझे इसलिए दिखाया ताकि तू लोगों में गवाही दे कि नरक में कितनी पीड़ा है, वहाँ कोई ना आए, वो उनके लिए नहीं है, मैंने उनके लिए नरक नहीं तैयार किया है, और तू लोगों को बता क्योंकि तू जिंदा गवाह है। और देख वो तीसरा कमरा सिर्फ तेरे लिए नहीं वरन पूरी मानव जाति के लिए है। जो मानव जाति आज निश्चिंत होकर बैठी है कि वो प्रार्थनाओं में हैं, वो उपवास में हैं, और वो दर्शनों से भरे हैं, वो वरदानों से भरे हैं, कलीसियाएं आज निश्चिंत हैं। अगर वो ऐसे ही निश्चिंत बैठी रहीं तो वो उस तीसरे कमरे में पहुंच जाएंगी क्योंकि वो मेरे स्वभाव में नहीं जी रही हैं। उनसे बताओ कि वो मेरे व्यवहार में जिए, लोग मसीह के स्वभाव में जीने लगें। प्रभु ने ऐसे मुझसे कहा तो मुझे तसल्ली और शांति मिली। मेरा आप सबसे बस इतना ही निवेदन है, मुझे प्रभु ने इतना ही प्रकट किया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मैं उस पीड़ा को सह चुकी हूँ 1 घंटे, और मैं उस डर में 2-3 दिन जी हूँ, वहाँ बहुत तकलीफ़ है। अपने अपने परिवारों के लिए ज़रूर से प्रार्थना करें, अपने जीवन को अच्छा बना लें, कभी वहाँ जाने की कोई भी कोशिश ना करें, गलती से भी वहाँ मत कोई भी अपने कदम को बढ़ाए। जो जो इस ऑडियो को सुने आगे ऑडियो को पहुंचाए ताकि लोगों तक ये वचन जाए। वहाँ की पीड़ा असहनीय है, वो मैं अभी तक अपने ऊपर सह रही हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ उससे। वो गर्मी उस दुनिया की गर्मी से बहुत अलग है, वो बहुत अलग गर्मी है वहाँ पर, बहुत अलग घुटन है, वो अजीब सी घुटन है, वो मार देने वाली घुटन है, लेकिन मौत नहीं है वहाँ पर मौत नहीं है। प्रभु ने ऐसे करके मुझसे बात की, मुझे दिखाया। उसके बाद परमेश्वर, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह बहुत जल्दी ही आने वाले हैं और वो हमें लेकर जाएंगे, लेकिन हमें चुनना है कि हमें नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। मेरा सबसे निवेदन है आप लोग अपने जीवन को अच्छे से तैयार करें ताकि प्रभु में आप सब हम सब स्वर्ग में मिलने पाए। नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया, वो पीड़ा अपने बेटों को बच्चों को बेटियों को कभी नहीं देना चाहता है। मेरा आपसे विनती है, निवेदन है, इस ऑडियो को लोगों को बताएं, अपने अपने मसीही परिवारों में बांटें, हर एक जन तक इस बात को पहुंचाएं। प्रभु इस आवाज़ के द्वारा, इस गवाही के द्वारा, इस दर्शन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषित करें। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि हम सब अपने अच्छे जीवन को बना लेने पाएं क्योंकि प्रभु का दिन निकट आ चुका है और परमेश्वर किसी भी घड़ी प्रभु यीशु हमारे लिए आने वाला है। यीशु आने वाला है, अब हमें जागना है, यीशु आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।